ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات پر دیبر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ابراہیم بھائی ابن قاسم علی مرحوم علی محمد ابن قربان علی کی روحوں کو ارسال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن له كفواً أحد. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفواً أحد. صلوات پر دیبر محمد و آل محمد. جس آئے کریمہ کو اس اپنے خمسے کے لیے عنوان کلام قرار دیا ہے یہ سورہ احزاب کی 57 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے جو لوگ اللہ کو اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اذیت دیتے ہیں
उन लोगों पर अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में लानत भेजता है। अल्लाह लानत भेज रहा है जो अल्लाह और रसूल को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। अल्लाह लानत भेज रहा है, अल्लाह के साथ मलाइका भी मोमिनीन भी ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं। और यही नहीं बल्कि इसके बाद क्या इरशाद हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए रुस्वा कुन अजाब भी रखा गया है, मुहैया किया गया है। ये हदीस हम लोग बराबर सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कि नबी अकरम ने यह फरमाया है, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई मन आदानी फ़कद आदल्ला, अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, व मन आदल्ला फ़कद कफ़र, और अल्लाह को अजियत देने वाला काफिर है। शहज़ादी के सिलसिले में नबी अकरम की बेशुमार अहादीस हैं, मुख्तलिफ अंदाज से हैं कि अल्लाह फातिमा के राज़ी होने से राज़ी होता है, फातिमा के नाराज़ होने से नाराज़ होता है। एक हदीस में नबी अकरम जिसके रावी सलमान फारसी हैं, हदीसें तो बहुत हैं, रावी सलमान फारसी हैं, नबी अकरम फरमाते हैं या सलमान मन अहब्बा फातिमता इब्नती, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है फहुआ फिल जन्नते मई, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है, वमन अब गज़हा फहुआ फिन्नार, और जो फातिमा से अदावत व दुश्मनी रखता है या फातिमा को नाराज़ करता है फहुआ फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगा। और फिर उसके बाद नबी अकरम ने फरमाया या सलमान हुब्बो फातिमता यन्फाओ फी मेअते मौतिन, ए सलमान फातिमा की मोहब्बत 100 मकामात पर 100 जगहों पर फ़ायदा देगी। फातिमा की मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत नबी फरमा रहे हैं कहाँ पर, 100 मकामात पर फ़ायदा पहुँचाएगी, जिनमें से फरमाते हैं ऐसरो तिलकल मवातिन, उन 100 मकामात में से सबसे आसान मकाम जो है नबी फरमा रहे हैं वो क्या है, अल मौत वल कब्र वल मीज़ान वल महशर वस सिरात वल मुहासबत। फातिमा की मोहब्बत 100 मकाम पर फ़ायदा देगी, और इनमें से सबसे आसान यानी इससे भी ज़्यादा हौलनाक मकाम से हमें गुज़रना होगा, सबसे आसान जो बताया है जिसका तذکرہ हम बारहा सुनते रहते हैं, सबसे आसान क्या बताया है, ये चंद बातें हैं, चंद चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, मौत है। मौत को उन 100 में से
आसान बयान किया है, जबकि मौत इतनी आसान नहीं है। तो अब इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो 100 मकामात कितने हौलनाक होंगे, कितने खौफनाक होंगे, कितने वहशतनाक होंगे, कि उनमें ये 6 मकाम आसान तरीन हैं। पहली चीज़ क्या है? मौत। दूसरी चीज़ नबी फरमाते हैं वल कब्र। कब्र भी आसान नहीं है, नहायत सख्त है। और तीसरी चीज़ अल मीज़ान, जिसमें हमारे आमाल तौले जाएंगे। मीज़ान यानी तराजू, जिसको हम कहते हैं तराजुए आमाल। हम सब के आमाल जो दुनिया में करते हैं वो सब तौले जाएंगे वहाँ पर, कि ये जो आमाल हमने अंजाम दिए हैं इसकी कीमत क्या है। अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में हम खेती करते हैं और आखिरत में हमको उसका समरा मिलेगा, उसका नतीजा मिलेगा, उसका महसूल मिलेगा। दुनिया में जो अमल अंजाम देंगे उसका नतीजा आखिरत में मिलेगा। आखिरत अमल की जगह नहीं है, जो हमारे लिए है वो ये दुनिया ही है। जो अमल करना है जब तक हयात है, जब तक जिंदा है, कर लें। आखिरत में तो हमारे आमाल की कद्र कीमत देखी जाएगी कि जो अमल अंजाम दिया है इसकी अर्जिश क्या है। कौन सा अहसन अमल है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह वो है कि जिसने मौत व हयात को खल्क किया है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, ताकि तुमको आजमाए कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो वहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा अमल हमने बेहतर किया है। तो दुनिया अमल की जगह है और आखिरत जो अमल अंजाम दिया है उसकी कद्र कीमत देखी जाएगी कि कैसा अमल था। तो फ़ातिमा ज़हरा की मोहब्बत, नबी फरमा रहे सलमान फ़ारसी से, जलीलुल क़द्र सहाबी, जिसके लिए कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत। सलमान इसके रावी हैं जो रिवायत बयान कर रहा हूँ। कहाँ पर? मीज़ान के वक्त। वस्सिरात, पुले सिरात से गुज़रना होगा ना, नहायत ही सख्त है पुले सिरात से गुज़रना। वहाँ पर शहज़ादी की मोहब्बत काम आएगी। वल महशर, इंसान महशर में आएगा, कब्र से जब उठेगा, कब्र से निकाला जाएगा, तो उस वक्त महशर का जो आलम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी के पुरसाने हाल ना होगा। यौम यफिर्रुल मरओ, उस दिन इंसान फरार करेगा, किससे? अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने वालिद से, अपनी जौजा से, अपने बच्चों से, कोई हर एक को अपनी पड़ी होगी। वो हंगाम ऐसा होगा सिवाय कुछ हस्तियों के कि जिनका ये तस्किरा चल रहा है। तो उस मकाम पर सहराए महशर में, जहाँ पर कोई किसी के काम ना आएगा, वहाँ पर नबी फरमा रहे हैं मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। और फिर उसके बाद कहाँ पर? वल मुहासबतो, जब हिसाब लिया जाएगा, एक एक अमल का हिसाब। आया हमारे आमाल ऐसे हैं कि हम अपने आमाल पे भरोसा करें कि ये हमारे आमाल हमारी निजात, हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे? हम में से कोई नहीं कह सकता
कि हमने नमाज ऐसी पढ़ी कि नमाज हमें बख्शवा देगी, ऐसा रोज़ा रखा कि रोज़ा हमें बख्शवा देगा, इस तरह से हमने ज़कात दी खैरात किया कि ये चीज़ें हमें बख्शवा देंगी, या दूसरे नेक आमाल। हम अपने आमाल पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये है कुछ आमाल के लिए बड़ी अहमियत है कि हिसाब में, मौक़िफ़े हिसाब में जब आएंगे तो जहाँ और चीज़ें हैं, नबी अकरम से एक रिवायत है कि वहाँ पे सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाहु अकबर, जिसको हम लोग सुबुक समझते हैं, हल्का समझते हैं, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज कुफ्र ईमान के बीच का संगम है, हद फासिल है। नमाज है ना, अस्सला तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। या और लफ्ज़ वाज़े कर दूँ, खैमे दीन, खैमा होता है ना, दीन के खैमे का सुतून क्या है? नमाज है। सुतून को हटा दीजिए तो खैमा क्या होगा? जिसके ऊपर खैमा रुकता है ना, खैमा तो देखते रहते हैं, उसको हटा दीजिए तो खैमा गिर जाएगा। तो नमाज, अगर नमाज पढ़ी तो इधर ईमान के दायरे में आए, और अगर नमाज से गफलत की तो अब ये जो सुतून है, जब ये सुतून ही नहीं रहेगा तो दीन का खैमा गिर जाएगा, दीन से खारिज हो जाएगा। जब दीन से खारिज हुआ तो ईमान से खारिज हुआ तो किधर आ जाएगा? कुफ्र के दायरे में आ जाएगा। नबी अकरम ने भी फरमाया है कि जो नमाज को हल्का समझता है, नबी फरमा रहे हैं कि लैसा मिन्नी, छठे इमाम ने भी फरमाया है, बराबर हदीस सुनते रहते हैं, ला तनालो शफ़ातुना मन इस्तखफ़ा बिस्सलात, हमारी शफ़ात, हमारी से मुराद हम अइम्मे ताहरीन की शफ़ात, उस तक नहीं पहुंच सकती है जो नमाज को हल्का समझता है, सुबुक समझता। भी वजाहत करूंगा कि हल्का समझना क्या है। नबी अकरम क्या फरमा रहे हैं कि जो नमाज को हल्का समझ रहा है, लैसा मिन्नी, मुझसे नहीं है, नबी फरमा रहे हैं, मन इस्तखफ़ बिस्सलात, जो नमाज को हल्का समझता है, वला यरदो अलैयल हौज, वो हौज़ पर, ला वल्लाह, नबी फरमा रहे हैं खुदा की कसम, वो हौज़ पर मेरे पास पहुंच नहीं सकता है जो नमाज को सुबुक समझता है, हल्का समझता है। शहजादी कौनैन, सिद्दीक़े ताहरा, जिनका तस्करा चल रहा है, सिद्दीका अपने बाबा के पहलू में बैठी हुई थी, क्या बाबा नमाज के मुतालिक जो नमाज को हल्का समझता है उसके बारे में बयान फरमाइए। इस रिवायत की जो मैं बयान करने वाला हूँ, खुद सिद्दीक़े ताहिरा हैं, क्योंकि सिद्दीका का तस्करा चल रहा है ना, तो सिद्दीका की कोई हदीस भी सुन करके जाएं। शहजादी ने फरमाया है, क्या शहजादी ने फरमाया है कि तुम में से जो मन कुंत तअमलो उस पर अमल करे, बेमा अमरना, जो हम अम्र करते हैं, उस हम से मुराद हैं सारे, व तंतही अम्मा नहाक, और उससे रुक जाए जिससे हम रोकते हैं, तो वो हमारा शिया है, और जो इससे नहीं रुक रहा है जिससे हम रोक रहे हैं, लैसा मिन शियतना, वो हमारे शियों में से नहीं है। गुफ्तगू किसकी चल रही है? शहजादी की, और शहजादी के शिया की, कि आपकी मोहब्बत काम आएगी इन मकामात पर। शहजादी फरमा रही हैं कि जो हम जिन चीज़ों का हुक्म देते हैं उन्हें नहीं बजा लाता, और जिन चीज़ों से रोकते हैं उससे नहीं रुकता है, फलैसा मिन शियतना, वो हमारे शियों में से नहीं है। तो शहजादी ने नबी अकरम से सवाल किया, तो नबी ने क्या फरमाया नमाज के सिलसिले में?
नबी अकरम फरमाते हैं अपनी बेटी फातिमा से, कह बेटी मन तहावना बिसलात ही, जो नमाज को हल्का समझता है अपनी नमाज को, हम आप हमारी सबकी नमाज है ना जो वाजिब है हमारी गर्दन पे, वो हमारी नमाज है, जो अपनी नमाज को हल्का समझता है, इब्तलाहुल्लाहु बिखम्से अशरता खसलतन, अल्लाह ताला उसे 15 बलाओं में, कितनी 15 बलाओं में मुब्तला करता है, सित्तुन मिनहा फी दारि दुनिया, उनमें से 6 का ताल्लुक दुनिया से है, वसलासुन इंद मौत ही, और 3 का ताल्लुक मौत के वक्त से है, वसलासुन फी कब्र ही, और 3 का ताल्लुक उसके कब्र से है, वसलासुन फिल क़यामा, और 3 का ताल्लुक क़यामत से है, कितनी 15 बलाओं में शहजादी फरमा रही हैं। मुब्तला होता कौन, तारिकुस सलात की गुफ्तगू नहीं है, जो नमाज को हल्का समझता, हल्का समझना किसको कहते हैं, अभी मैंने अर्ज़ किया था, क्या वजाहत करूँगा, जैसे ये है कि वज़ू या दूसरे मुकद्दमात नमाज हैं, वज़ू भी मुकद्दमा है, मुकद्दमा का मतलब ये है कि अगर वज़ू सही नहीं तो नमाज सही नहीं है, क्योंकि नमाज का दारो मदार किसके ऊपर है, वज़ू के ऊपर है। बहुत से लोग गफलत बरतते हैं, ऐसे ही गए बस जल्दी वज़ू कर लिया, नहीं, बाकायदा जो वज़ू के लिए अहकाम हैं उस पर बाकायदा अच्छी तरह से सलवात पढ़ते हुए या दुआ पढ़ते हुए एहतमाम के साथ वज़ू करे, और फिर वज़ू करने के बाद नमाज के लिए जब आए, तो अब पहली चीज़ तो ये है कि नमाज का वक्त हो जाए, कोई भी काम कर रहे हों छोड़ दें, हम आप क्या करते हैं, चलिए अभी पढ़ लेंगे, अभी तो वक्त है, तो अब ये जो हमने कहा अभी वक्त है पढ़ लेंगे ये काम कर लें, तो इसका मतलब क्या है कि इस काम को हम अहमियत दे रहे हैं, नमाज को अहमियत, इसका मतलब तो यही बिल्कुल सामने की बात है ये कि चलिए अभी हम वक्त है ये काम कर, नमाज पढ़ लेंगे ये पहले काम कर लें, तो इसका मतलब ये है कि हमने आपने इस काम को अहमियत दी, नमाज को अहमियत नहीं दी, नमाज को हल्का समझा, यही है नमाज को हल्का समझना, या ये कि नमाज पढ़ना शुरू की तवज्जो के साथ नहीं बस जल्दी जल्दी, इस तरह से रोका गया है कि जिस तरह से परिंदे दाना उठाते हैं ना ज़मीन से, इस तरह की नमाज ना पढ़ें, कभी होता है ना बहुत जल्दी जल्दी, या वक्त कभी ये है कि वक्त की तंगी है तो चलिए ठीक है वाजिब बजा लाइए, लेकिन कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि हमेशा वो इसी तरह से जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, नहीं, अहमियत दे करके तवज्जो के साथ खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े हैं, कौन अल्लाह जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा परवरदिगार है, ज़ाते वाजिब की जिससे अजीम कोई शय नहीं है उसके सामने खड़े हैं, और बेतवज्जोही के साथ उसके सामने हम खड़े हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़े सोते हुए अंदाज में, नहीं, बाकायदा जो मखरज है जो तलफ़ुज़ है उसके साथ खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ें। कुरान कह रहा है कद अफ़लहल मोमिनून अल्लदीनहुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिनीन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू रखते हैं, तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, हुजूर कल्ब के साथ पढ़ते हैं। अब आप खुद तवज्जो कीजिए, नमाज में हम जो पढ़ते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हम ये कह रहे हैं कि मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है, तो इस पर तवज्जो होनी चाहिए ना कि वो रहमान है वो रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें तवज्जो रखिएगा थोड़ी देर के लिए, सारी तारीफें हम्द किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, कौन अल्लाह, रब्बिल अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है रहीम है, और कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का परवरदिगार है, रहमान है रहीम है, और मालिकी यौमिद्दीन,
रोज़ जज़ा का मालिक है। तवज्जो तो रहनी चाहिए ना, रहमान है, रहीम है, परव आलमीन का पालने वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। ये हमने हम्द की, तवज्जो रखिएगा थोड़ी देर के लिए, जो कहा गया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, वो यही मेराज है। देखिए हमें आपको नमाज में एक बारगी देखिए, शायद एक मिनट भी नहीं गुजरता है, नियत करके हम खड़े होते हैं और फौरन हमको मेराज होने लगती है। क्या हमने गायबाना तौर पे खुदा की हम्द की है? क्या कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का परवरदिगार है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हम कलाम हो गए ना, ऐ मेरे माबूद, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो अब जब हम परवरदिगार से हम कलाम हैं, तवज्जो नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा का एहतराम हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही है जो यहाँ पे उलमा ने इसकी तफसीर की है, ऐसे ही है जैसे हम आपसे गुफ्तगू करते वक्त क्या करें, मुंह उधर कर लें। तो अब अगर हम अल्लाह से कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, और हम सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं है, नहीं तवज्जो से कहें, नहायत अजीम जुमला है। सिर्फ नमाज में नहीं, नमाज के अलावा भी हम इसको अपना विर्द करार दे सकते हैं ज़बान का, कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अब उसके बाद जब हमने अल्लाह से ये कह दिया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, बस अब अपने लिए दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? ऐ मेरे माबूद, हमें सीधे रास्ते पर बाकी रख। तवज्जो रखिएगा, सीधे रास्ते पर बाकी रख। ये दो तर्जुमा किया जाता है मुसलमानों में, एक तर्जुमा ये किया जाता है कि सीधा रास्ता दिखा, और एक तर्जुमा ये किया जाता है कि सीधे रास्ते पर बाकी रख, यानी सीधा रास्ता मिल चुका है, इस सीधे रास्ते पर हमें बाकी रख। ये सीधा रास्ता किसका है जो हमें मिल चुका है? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का सीधा रास्ता है कि जिन पर तूने नेमतें नाजिल की हैं। गैरिल मग़दूबे, मग़दूब का रास्ता ना हो कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, और उनका भी रास्ता ना हो जो ज़ालीन हैं, गुमराह हैं, यहूद व नसारा की भी का भी रास्ता ना हो। तो अब ये दो तर्जुमा किया जाता है, तो किसको नेमत मिल चुकी है, किसका किसको सीधा रास्ता मिल चुका है? सिरात अलीन हक़ुन नुमसिकहु, अली का रास्ता हक है, हम उसी से मुतमस्सिक हैं। सलवात पर्दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो मैंने तर्जुमा इसलिए बता दिया ताकि तवज्जो रहे। यूं भी किताब में पढ़ते रहते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, अरबी नहीं आती है इसलिए जहन से बात निकल जाती है। क्योंकि नमाज मेराज मोमिन है, ये इस तरह से मेराज होगी जब यहाँ नमाज में तवज्जो रहेगी। तो 15 चीज़ें बयान कर दूं जल्दी जल्दी, नहीं तो वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। तो शहज़ादी ने सवाल किया, नबी ने जवाब दिया कि जो नमाज को सुबुक समझता है, हल्का समझता है, वो 15 मुसीबतों में, 15 बलाओं में मुब्तला होता है। अल्लाह मुब्तला करता है, इब्तलाहुल्लाह हो, अल्लाह उसे मुब्तला कर देता है 15 मुसीबतों में। पहली चीज़ क्या है? 6 बातें जिनका ताल्लुक दुनिया से है, दुनिया से है। यरफ़ुल्लाहु अलबरकत मिन उम्रही, अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत उठा लेता है। जो नमाज को हल्का समझता है, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उठा लेता है। उम्र से बरकत उठ जाने का मतलब क्या है? उम्र से
बरकत उठ जाने का मतलब क्या है? वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कुरान में भी अल्लाह कह रहा है जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी मईशत को, उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूंगा। उम्र से बरकत का मतलब क्या है? कई माना हो सकते हैं। एक तो ये है कि उम्र ही कम हो जाए, उम्र में अल्लाह बरकत दे। बरकत से मुराद ये है कि उम्र तूलानी हो और ऐसी बाबरकत उम्र हो कि नेकियां हो, खैरात हो, अमले साले हो। तो अब जब वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा जो इब्तदाई चीज़ है, जो सुतून दीन है, तो अब कहाँ से वो अमले साले की तरफ बढ़ेगा? पहली चीज़ तो नमाज है ना। जिस तरह से पैसे से पैसा लोग कमाते हैं ना, पैसा होता है पैसे से पैसा कमाते हैं, इसी तरह से उलमा कहते हैं अमल से अमल कमाया जाता है। नेक अमल अंजाम देंगे उनमें से इब्तदाई चीज़, पहली चीज़ नमाज है। नमाज पढ़ेंगे तो दूसरी नेकियों की तरफ बढ़ेंगे। कुरान कह रहा है अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज रोकती है किससे? फहशा से, बदकारी, बदकिरदारी से, मुनकर से, बुराइयों से नमाज रोकती है। तो अब क्या है, जिसमें मैंने कहा ना पैसे से पैसा कमाते, इसी तरह से नमाज पढ़ेंगे, नेक अमल अंजाम देंगे तो क्या है, दूसरी बुराइयों से रुकेंगे और दूसरी अच्छाइयों की तरफ जाएंगे। तवज्जो रखिएगा, जो नमाज वाजिब पढ़ेगा वही तो नमाज नाफला की तरफ जाएगा, नमाज शब की तरफ जाएगा। जो नमाज वाजिब ही नहीं पढ़ रहा है, देखा है आपने किसी को कि पंजगाना नमाज नहीं पढ़ रहा है और वो नमाज शब का पाबंद हो? है ऐसा कोई? अगर है ऐसा कोई तो बताइएगा, क्योंकि असल चीज़ तो वाजिब है ना। जब वाजिब पढ़ेंगे तब कहीं नमाज शब और नाफला की तरफ जाएंगे। लिहाजा नमाज के लिए छह बलाओं में से पहली चीज़ क्या है? उम्र से बरकत उठ जाती है। दूसरी चीज़ वयरफ़ुल्लाहु अलबरकता मिन रिज़्क़िही, उसके रिज़्क से, रोज़ी से बरकत उठ जाती है। कभी यह कि कारोबार में लगे हुए हैं, उसी कारोबार ही के लिए नमाज को तो हम ताखीर से पढ़ रहे हैं, लेट पढ़ रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है जिसके लिए तुम छोड़ रहे हो नमाज को, छोड़ने से मुराद यानी हल्का समझ रहे हो, उसी से बरकत क्या करूँगा, उठा लूँगा। हो सकता है बहुत पैसे वाला हो जाए। बरकत का मतलब यही है ना कि बीमारी ना हो, तमाम आफात से महफूज रहे। कभी होता बहुत माल और दौलत है लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग गई, सारी दौलत चली गई, तो क्या है? ये सारी बातें ऐसी हैं कि इंसान को हमेशा मुतवज्जे रहना चाहिए। तीसरी चीज़ नबी अकरम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यमहू सिमात सालिहीन, उसकी पेशानी से सालिहीन की एक अलामत होती है, जो सालिह होते हैं, बंदे सालिह की पेशानी पर, चेहरे पर एक निशानी होती है, एक अलामत होती है, एक पहचान होती है। अल्लाह ताला कह नबी अकरम फरमा रहे हैं कि जो नमाज को सुबह हल्का समझता है वो जो अलामत है सालिहीन की, उसके चेहरे से अल्लाह महो कर देगा, मिटा देगा। और चौथी चीज़ क्या है जिसका ताल्लुक दुनिया से है? चौथी चीज़ ये है कि जब वो अमल अंजाम देगा तो उस नेक अमल का उसे अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि बुनियाद नमाज है ना, उसी को छोड़ दिया है। और पांचवी चीज़ ये है कि वो जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, मुस्तजाब नहीं होती। कहते बहुत दुआ कर रहे हैं लेकिन दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही है। नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के दुआ करें, हुक्म भी है। नमाज पढ़ के ऐसे ही ना चले जाएं, बल्कि अपने लिए दुआ करें, जो भी दुआ हो सके मांगे अपने परवरदिगार से। जो ऐसे ही नमाज पढ़ के उठ के चला जाता है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं कि अपने परवरदिगार के लिए नमाज तो पढ़ी लेकिन अपने परवरदिगार से बेनियाज है, कुछ मांग नहीं रहा है, कुछ तलब नहीं कर रहा है। नमाज पढ़ें तो अपने परवरदिगार से मांगें, गिड़गिड़ाएँ, रोएँ, वो देगा। और छठी चीज़ क्या है? छठी चीज़ यह है कि दुनिया में जो हम तमाम मोमिनीन दुआ करते हैं ना, दुआ करते हैं ना तमाम मोमिनों में, मोमिनात के लिए, जो ये तमाम मोमिनीन और मोमिनात दुनिया में दुआ करते हैं, जो नमाज को हल्का समझता है वो इस दुआ में शामिल नहीं होता। यानी ये दुआ जो हम लोग करते हैं सारे मोमिनीन और मोमिनात, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए, इस दुआ में वो शामिल नहीं होता है। ये छः का ताल्लुक किससे है?
दुनिया से है, और तीन का ताल्लुक सलासुन इंद मौत ही, मौत से ताल्लुक है। जब मौत आएगी यमूतो जलीलन व यमूतो जायअन व यमूतो अतशाना, जो नमाज को हल्का समझता है, शहजादी रावी हैं सिद्दीका से ये रिवायत है और हमारी मुख्तलिफ किताबों में है, कैसी मौत आएगी उसको, जिल्लत की मौत आएगी। होती ना कुछ मौत ऐसी होती है जो भी देखता है कहता है एहसास करता है, यमूत तो जलीलन, जिल्लत, जलील दुनिया से जाएगा। और दूसरी मौत के वक्त क्या है, यमूत तो जायन, भूखा जाएगा। और तीसरे क्या है, यमूत तो अतशाना, प्यासा। इसके बाद नबी फरमा रहे हैं अगर उसको दुनिया में जितने समंदर हैं नहरें हैं सारा पानी उसको पिला दिया जाएगा तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो नमाज को हल्का समझता है और तीन बलाओं का, मुसीबतों का जो भी कहिए ताल्लुक कब्र से है, अल्लाह ताला कब्र में एक फरिश्ता उसके ऊपर मुसल्लत करेगा जो उसको दबाएगा, उसको दबाएगा, फिशार देगा, और वह युजय कब्र हो और उसकी कब्र को तंग कर देगा फरिश्ता। और तीसरी चीज़ क्या है, उसकी कब्र अंधेरी हो जाएगी, तारीक हो जाएगी। कब्र भी निदा देती है ना, आवाज़ देती है ना, कब्र पांच निदा है हम सब की, कब्र निदा देती है, हमें पुकारती है कि आओ, मैं तन्हाई का घर हूँ, अना बैतुल वहदा फहमिलू इलैया अनीसन, मैं तन्हाई का घर हूँ, मेरी तरफ आओ तो अपने लिए अनीस ले कर के आओ, अपने लिए मुनीस व हमदम साथी ले कर के आओ। मुनीस व हमदम व साथी क्या है, क़िराअतुल कुरान, तिलावतुल वतिल कुरान, कुरान मजीद की तिलावत और क़िराअत है जो हमारे लिए कब्र में। और क्या है, व सलातुल लैल, नमाज शब और कुरान की तिलावत कब्र में हमारे लिए क्या बनेगी, नूर बनेगी, वरना कब्र अंधेरी हो जाएगी। और तीन का ताल्लुक, तीन मुसीबतों का ताल्लुक क़यामत से है, जब कब्र से हमें उठाया जाएगा, उस वक्त के लिए है। जो नमाज को हल्का समझता है, सुबुक समझता है, अल्लाह एक फरिश्ते को उसके ऊपर मुसल्लत कर देगा, उसका पैर पकड़ के उसे मुंह के बल खींचता हुआ लेके जाएगा, और दूसरे सहराए महशर में दूसरे अफराद देखते रहेंगे, देखेंगे। यानी इस तरह से उसकी रुसवाई होगी जो नमाज को हल्का समझता, तारिकुस सलात की बात नहीं है, नमाज को जो हल्का समझता है। और युहासिबु, दूसरी चीज़ जो है क़यामत से इसका ताल्लुक़ है, युहासिबु हिसाबन शदीदा, और उसका हिसाब, हिसाब व किताब जो है वो शदीद तौर पे लिया जाएगा, यानी नरमी नहीं बरती जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि अल्लाह ताला की जो आखिरी नज़र रहमत होगी, नज़र होगी, नज़र करम, वो उसके शामिल हाल नहीं होगी जो नमाज को सुबुक समझता होगा। ये शहज़ादी से रिवायत है, इस अय्याम फ़ातिमी में ये एक तोहफ़ा लेकर के जाएं, इसको हमेशा अपने पेशे नज़र रखें कि नमाज को अव्वल वक्त पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, खुशु व खुजू के साथ पढ़ें, नमाज में कहीं सी कोताही न होने दें, गफलत न आने दें, और नमाज को दीन का सुतून समझ करके हम आप पढ़ें। शहज़ादी कौनैन, कल गुफ्तगू जो पहुंची थी वो ये कि आप जब शादी के लायक हो गईं, रिश्ते आने लगे, लेकिन किसका रिश्ता कबूल फरमाया, जो वहाँ पर जिसका जोड़ा तय हुआ था, जिसका अक्द अर्श पर हुआ था, उसी को शहज़ादी ने कबूल फरमाया।
और ये भी अर्ज कर दूं ताकि हमारे और आपके लिए एक सबक रहे, नबी अकरम ने कहा ए अली शादी में वलीमा होना चाहिए। कहा आधा खर्चा मेरी तरफ से और वलीमे का आधा खर्चा ए अली तुम्हारी तरफ से, होना भी यही चाहिए। कभी होता है ना कि सारा खर्च किसकी गर्दन पे आ जाता है, जिसकी बेटी है। हम इस मुसलमान हैं ना, नबी की शरीयत पर चलने वाले हैं, तो हमें भी यही करना चाहिए। आधा खर्च किसकी तरफ से हो, शौहर की तरफ से, और आधा खर्च बेटी के बाप की तरफ से हो। और इंतज़ाम हुआ क्या, एक गुसफंद और रोटी, गुसफंद यानी भेड़। नबी अकरम ने कहा अली ज़िबह करो, और ये भी कह दिया जिसको जिसको दावत देना है, वलीमा करना है, कर दो। बिलाल को कह दिया जाओ ए बिलाल ऐलान कर दो, पूरे मदीने में ऐलान कर दिया। एक रिवायत में आया 4000 अफराद थे, कितने थे 4000, तवज्जो कीजिए, पूरे मदीने में ऐलान कर दिया। और है क्या, सिर्फ एक भेड़ है और कुछ रोटी है। तो फिर नबी अकरम ने कहा जितने आने वाले 3 दिनों तक वलीमा चलता रहा है, इसीलिए कि शादी में वलीमा करें, लेकिन आप लोग भी इस तरह न करना शुरू कर दीजिए। वरना मालूम हुआ वहाँ तो जो है एक भेड़ और कुछ रोटी में काम हो गया था, और यहाँ पर मालूम हुआ कि बिक जाएंगे, अपना घर भी बेचना पड़ेगा अगर इतना आलीशान वलीमा करने जाएंगे। हाँ मुस्तहब है अपनी इस्तेतात के मुताबिक कि इसराफ की हद तक न पहुँचें, हमें वलीमा करना चाहिए। कुछ ही तो वलीमे हैं, एक घर के लिए है, एक हज के लिए है, एक शादी के लिए है। लिहाजा इस मुस्तहब पे हो सके तब, ये नहीं कि वाजिब है कि अपने आप को परेशान करके, नहीं, मुस्तहब है ये, हो सके तो करें, नहीं तो कोई वाजिब नहीं है। तो क्या इंतज़ाम किया, किस तरह से, ये कहा कि 10-10 लोग आएंगे, 10-10 अफराद आएंगे, खा के जाएंगे। 10 अफराद आते थे, खा के जाते थे, आते थे, खा के जाते थे, 3 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। और खिलाने वाले कौन कौन थे, खिलाने वाले जनाबे अब्बास थे, रसूल के चचा, जनाबे हमज़ा थे, जनाबे अकील मौलाए कायनात के भाई थे, और ख़ुद मौलाए कायनात थे। ये खाना खिलाने में थे, तवाज़ो खातिर तवाज़ो ये कर रहे थे, खा के जाते रहे, यहाँ तक कि जितने भी आने वाले थे सब आ चुके। अब जाहिर सी बात है जब नबी ने ऐलान करा दिया है नबी की बेटी की शादी है तो उसमें कौन नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वलीमे में भी तो हम लोग भी यही अहमियत देते हैं। अगर कोई बहुत करीबी है और उसने दावत दी है तो क्या है, पहुँचते हैं। लिहाजा इसी एतबार से सब अपना फ़र्ज समझते हुए कि नबी की बेटी की शादी अली से है, आए। और जो लोग माजूर थे नहीं आ सके थे, सबको खिलाया, और खिलाने के बाद खाना बचा रहा। फिर रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि जो नहीं आ सके हैं, जो नादार हैं, मिस्कीन व फ़कीर घर पर हैं, माजूर हैं, नहीं आ सके, उन तक खाना पहुँचा दो। उन तक खाना पहुँचाया गया। शहज़ादी, बस बात को समेटते हुए चलूँगा, शहज़ादी अली के घर पर आई। जिस तरह से कल मैंने अर्ज़ किया ना, बाबा के घर पर भी मुसीबतों का सामना रहा, मुश्किलात का सामना रहा, परेशानियों का सामना रहा, उसी तरह से, जबकि कहा जाए अपनी ज़बान में कि शहज़ादी की शादी कमसनी में हुई, कितनी उम्र थी, 9 साल थी, मौलाए कायनात की उम्र के लिए है 22 साल थी या 25 साल थी। मौलाए कायनात की ज़ौजियत में आई, वहाँ पर भी बाबा के घर पे 10 साल रहीं, फिर शौहर के घर पर आईं। उन 10 सालों में 5 साल माँ की, माँ जिंदा थी जनाब खतीजा, लेकिन जब जनाब खतीजा का इंतकाल हो गया तो 5 साल तक तनहा अपने बाबा की खिदमत में रहीं। नबी अकरम ने अपनी बेटी को परवान चढ़ाया, और फिर जब यहाँ पर आईं तो यहाँ भी वही मुश्किलात और परेशानियों का सिलसिला है। लेकिन शहज़ादी जिस तरह से अली सब्र व इस्तकामत के पहाड़ थे,
हर मुसीबत पर, हर मुश्किल पर सब्र करते रहे। कि ज़ियारत में भी हमने पढ़ा है अली के लिए अस्सलाम अलैक या असबर साबरीन। इसी तरह से शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा भी, सब्र व इस्तेकामत का पहाड़ थी। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि शहज़ादी पर जब कोई मुश्किल आती, परेशानी आती, तो अली की पनाह में आती थी। क्योंकि अली जिस तरह से सब्र व इस्तेकामत के पहाड़ थे, उस तरह से रूए ज़मीन पर कोई नहीं गुजरा है। क्योंकि अली से ज़्यादा शुजा, दिलेर, बहादुर, अली से बड़ा आलिम, इल्म रखने वाला, अली से बड़ा जाहिद, अली से बड़ा मुत्तकी परहेजगार, यूं कह लीजिए एक इंसान के लिए जितने फजाइलो कमालात होना चाहिए, अल्लाह ताला ने अली के अंदर तमाम फजाइलो कमालात को इकट्ठा कर दिया था। यानी मजमूए फजाइलो कमालात अली की ज़ात थी, तमाम फजाइलो कमालात का मजमूआ थी। तो जिस तरह से अली तमाम फजाइलो कमालात के मजमूआ थे, इसी तरह से सिद्दीक़े ताहिरा भी थीं। एक हदीस में है, तूलानी हदीस है, कि जिसमें अली और फातिमा से मुफाखरा है। मुफाखरा यानी मौलाए कायनात अपने को बयान कर रहे हैं, मैं ये हूँ। शहज़ादी कह रही हैं मैं ये हूँ, अली कह रहे हैं मैं ये हूँ, शहज़ादी कह रही मैं ये हूँ। अगर मौका मिला तो कभी बयान करूँगा कि जो मुफाखरा है, जो मैंने कल अर्ज़ किया था कि हर चीज़ में दोनों कुफू थे, कि हदीस में आया है कि लौला अलीयुन लम यकुन कुफ्वुन लिफातिमा, अगर रूए ज़मीन पर अली ना होते तो फातिमा के लिए कोई कुफ ना होता इला आदम, आदम तक। यानी जितने अंबिया गुजरे हैं वो भी फातिमा के हम पल्ला नहीं थे। जब आदम तक कह दिया है तो जितने हैं उलुल अज़्म पैगंबर, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो ईसा हो, नबी अकरम को छोड़ करके जितने भी, चूंकि नबी की तो बेटी ही थी, रूए ज़मीन पर जितने भी इंसान गुजरे हैं सब के लिए है ये कि कोई भी फातिमा का कुफू नहीं था। अगर कोई कुफू था, हम पल्ला था, मुसावी था, बराबर था, तो वो कौन थे? अली इब्ने अबी तालिब थे। तो जब अब इसी से बस इससे ये पता चल रहा है ना कि फातिमा तमाम से अफजल थी, आदम से लेकर जितने भी अंबिया मुरसलीन उलुल अज़्म पैगंबर नबी को छोड़कर जितने गुजरे हैं, सबसे अफजल फातिमा थी। जब सबसे अफजल फातिमा थी, मुझे नतीजा निकालने दीजिए, और उनके कुफू, उनके बराबर, उनके मुसावी अली थे। तो जब तमाम अंबिया व मुरसलीन से फातिमा अफजल थी, तो जो फातिमा का कुफू था, हम पल्ला था, फातिमा के मुसावी था, फातिमा के बराबर था, वो भी तमाम अंबिया व मुरसलीन से अफजल है। कौन है? वो अली इब्न अबी तालिब हैं। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतनी बाज़मत बीबी जो हमको दर्स दिया है हमारी ख़वातीन को, इतनी बाज़मत बीबी जब आई अली के घर में, जो भी मुश्किलात परेशानियां आईं, कभी अपने बाबा से शिकवा नहीं किया। कल जो आखिर में मसाइब से पहले एक रिवायत पढ़ी थी ना, कि जब सलमान फ़ारसी ने देखा वो सीधा चादर को कि जिसमें 12 पैवंद हैं, सलमान रोने लगे थे कि हरीरो दीबा की के लिबास पहनती हैं कैसर व किसरा की बेटियां, लेकिन खातमुन नबीन
साहिब लौलाक की बेटी की एक ऊनी चादर जिसमें 12 पेवंद हैं। तो शहजादी ने पहुंच करके अपने बाबा से क्या कहा, यही तो कहा था ना कि बाबा सलमान मेरी पुरानी चादर को देखकर रो रहे हैं, जबकि ये बाबा, इसे पता, यही तो चल रहा है ना, नतीजा निकालने के लिए मैं इसको तकरार कर रहा हूँ, इसे यही पता चल रहा है कि अभी तक अपने बाबा से भी नहीं बताया। कहा, ए बाबा, 5 साल से हमारे पास भेड़ की खाल का एक फर्श है कि जिस पर हम अली रात में सोते हैं और दिन में ऊंट को चारा देते हैं। तवज्जो कीजिए, अपने बाबा से बयान नहीं किया ना, कब कहा, उस वक्त कहा, सीने से लगा लिया। कहे, सलमान मेरी बेटी फातिमा साबिकीन में से है। तो शहजादी की अजमत यह है, और उसके साथ अली के साथ हर तरह के फक्र फाका और तंग दस्ती में शरीक थी। लेकिन चूंकि एक माँ थी ना, जैसे दूसरी माएँ होती हैं, शहजादी के भी सीने में माँ का दिल था। हाँ, उस वक्त तड़प जाती थी जब बच्चों को फाका करना पड़ता था। शहजादी तड़प जाती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। घर में आकर सारे काम किए, जबकि काम तकसीम कर दिया था कि घर का काम फातिमा करेंगी, बाहर के काम अली अंजाम देंगे। रसूल ने ये तकसीम कार किया था, लेकिन फिर भी फातिमा जहरा इस कदर अली से मोहब्बत करती थी, चूँकि अली मशगूल रहते थे जंगों में, खिदमत दीन में। फातिमा जहरा सिद्दीक़ ताहिरा सैयदे निसाए आलमीन की कोई अफजल ही नहीं। अभी बयान कर दिया कि कितनी बाजमत बीबी हैं, लेकिन बाहर से पानी लेकर आती थी मश्क से। रिवायत में है कि इतना पानी भरा कि मश्क की वजह से शहजादी के सीने पर निशान पड़ गए थे, घट्टे पड़ गए थे, इतना पानी भरा। और घर में चक्की पीसती थी, आटा शहजादी खुद पीसती थी कि हाथ जख्मी हो जाते थे, कभी थक कर सो जाती थी। जिब्रील अमीन आकर चक्की चलाते थे और गहवारे को झुलाते थे। फातिमा जहरा ने घर में, खुद फातिमा जहरा झाड़ू भी देती थी, फातिमा बच्चों का लिबास भी धोती थी। फातिमा अली के लिए एक बेहतरीन जौजा थी, घर का माहौल खुशगवार बनाए हुए थी कि अली को किसी भी तरह से कहीं से कुछ एहसास ना होने पाए, शौहरदारी में भी कहीं से कोई कमी आने नहीं दी। इसीलिए शहजादी ने आखिरी वक्त में मौलाए कायनात से ये कहा था कि यब्न अम, ए मेरे चचाजाद, ए मेरे इब्न अम, मा अहत्तनी काज़िबतन वला खाइनतन वला खालफ्तुका मुंदो आशरतनी। क्या फरमाया, निहायत अजीम जुमला है। शहजादी फरमा रही, ए मेरे इब्न अम, जब से मैं आपके घर आई हूँ मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, और न ही कभी आपके साथ कोई खयानत की है, और न ही किसी चीज में। तवज्जो रहे, ये शहजादी का जुमला। बाज़ रिवायतें इसे बयान करने लगते हैं लोग, कहीं की रिवायत कि शहजादी ने ये मुखालफत की। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं। शहजादी इसीलिए आखिरी वक्त में कह रही हैं, यब्न अम मा अहत्तनी काज़िबतन वला खाइनतन, आपने न मुझे कभी झूठा पाया, न कोई मैंने खयानत की, वला खालफ्तुका, और न मैंने कोई आपकी मुखालफत की है। ये शहजादी कह रही हैं। तो मौलाए कायनात ने क्या कहा, मौलाए कायनात कहते, माअल्लाह, खुदा की पनाह, आप और ये बातें
कि आपकी तरफ से झूठ हो, आपकी तरफ से खयानत हो, आपकी तरफ से मुखालिफत हो, माद अल्लाह, अली ने फरमाया। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि या बिन्त रसूलिल्लाह अंते आलमु बिल्लाह, ऐ रसूल की बेटी आप अल्लाह के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाली। जुमले पे तवज्जो कीजिए, क्या फरमाया, अंत आलमो बिल्लाह व अबर्रो व अतका व अकरमो व अशद खौफम मिन अल्लाह, आप अल्लाह के बारे में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली हैं, अबर्रो राह खुदा में सबसे ज्यादा नेकूकार हैं, वह अतका सबसे ज्यादा परहेजगार हैं, वह अकरमो सबसे ज्यादा बुजुर्गवार हैं, वह अशद खौफम मिन अल्लाह है, और अल्लाह के मुतालिक सबसे ज्यादा अजीम खौफ रखने वाली है फातिमा आप हैं। आपसे कहां ये बातें मुमकिन हैं। इस तरह से अली के साथ जिंदगी शहजादी ने गुजारी। इसीलिए तो शहजादी को याद करके मौलाए कायनात, बच्चों के सामने तो गिरिया नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि शहजादी जब दुनिया से गई बच्चे छोटे छोटे थे, 8 साल के अंदर में, 8 साल, 7 साल, 6 साल या 5 साल या इस तरह की उम्रें बयान की गई हैं, बच्चे छोटे थे। जब माँ उठ जाती है बच्चों के लिए बहुत सख्त होता है, और उस पर अगर बाप रोए तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फातिमा के बच्चे अपनी माँ को मुसलसल रोते हुए देखा, हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम देखती रही कि मेरी माँ गिरिया कर रही है। इस रिवायत के मुताबिक जो भी अय्याम फातिमी है, 75 दिनों तक शहजादी, 75 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद हमला हुआ था ना, यानी शहजादी 72 दिनों तक घर में रोती रही अपने बाबा को याद करके। दर्द पहलू की बिना पर रुखसार पे जो तमाचे लगाए गए थे जिससे गोशवारे फातिमा के टूट गए थे, बाजू पे जो ताजियाने से मारा था जिससे बाजू पे वरम आ गया था, फातिमा शब रोज रोया करती थी, रात और दिन की रिया किया करती थी, बच्चे भी अपनी मादरे गरामी को देखते रहे, मेरी माँ क्रिया कर रही है। क्यों ना रोती, क्यों ना रोती। आयतुल्ला वहीद खुरासानी ने एक अजीम जुमला कहा है जो दिल को छूने वाला जुमला है। वो कहते हैं, अगर किसी की कोई भी एक हड्डी टूट जाए, उंगली की हड्डी टूट जाए, तो उसे करार नहीं आता, उसे सुकून नहीं मिलता है, लेकिन हाय फातिमा जहरा की पसलियां इस रिवायत के मुताबिक 72 दिनों तक टूटी रही। किस तरह से फातिमा को करार आया। बस आखिरी रिवायत पढ़ूंगा, रोने के लिए काफी है, पुरसा दे लीजिए, शायद इस अय्याम फातिमी के लिए यही एक जुमला माले मसाइब हो। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, किससे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चूँकि बड़े बेटे थे ना, अपनी माँ को देख रहे थे, साथ साथ थे, हक हर दुख दर्द में अपनी माँ के साथ इमाम हसन थे, उस वक्त भी इमाम हसन साथ थे। शहजादी जब दरबार खिलाफत में अपना हक लेने के लिए गई थी, रिवायत के मुताबिक फिदक नामा लिख कर के दे दिया, लेकिन रास्ते में दूसरे से
जब मुलाकात हुई, इसने पूछा कहाँ से? शहजादी ने कहा कि फिदकनामा लिख करके दे दिया है। उस जालिम ने ज़बरदस्ती फातिमा जहरा से फिदकनामा लिया और लेने के बाद उसे फाड़ करके फेंक दिया। शहजादी ने तड़प करके बद्दुआ की कि लकद शक्क अल्लाह बतनका कमा शक्कत किताबी, अल्लाह तेरे पेट को उसी तरह से चाप करे जिस तरह से तूने मेरे फिदक नामे को चाप किया है। और यही नहीं, एक आलम दीन ने पढ़ा, अरे फातिमा जहरा जब गई थी दरबारे खिलाफत में तो अपने बेटे हसन का हाथ पकड़ के गई थी, जिस तरह से एक माँ अपने छोटे बेटे का बच्चे का हाथ पकड़ के जाती है इसी तरह से। लेकिन अब जब फातिमा अपने घर को पलट रही है, इस हादसे के बाद रिवायत में है कि शहजादी पे 17 बार हमले हुए थे। इस रिवायत के मुताबिक अब फातिमा के हाथ में हसन का हाथ नहीं है, बल्कि इमाम हसन के हाथ में फातिमा का हाथ है। इमाम हसन अपनी मादरे गरामी का हाथ पकड़े हुए हैं, कह रहे मादरे गरामी इधर से चलिए, घर का रास्ता इधर से है, ऐ मादरे गरामी बैठ जाइए, आपकी आवाज से गर्द को साफ कर दो। अरे बाबा देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अरे जालिम ने कौन सा जुल्म किया था कि फातिमा की आबा गर्दालूद हो गई थी। अजरुकुम अल्लाह, इमाम हसन से ये रिवायत सुन लीजिए। इमाम हसन फरमाते हैं मेरी मादरे गरामी रातों को जागा करती थी, रातों को सोती नहीं थी। सवाल किया कि क्यों नहीं सोती थी, इमाम हसन फरमाते हैं कि बैठ कर दीवार का टेक लेकर के यूं सर झुका के रात भर फातिमा इस हादसे के बाद बैठी रहती थी। जब किसी ने सबब पूछा कि क्यों बैठी रहती थी और क्यों नहीं सोती थी, इमाम हसन तड़प के फरमाते हैं कि अगर दाईं तरफ लेटती थी तो दर्द पहलू की वजह से लेट नहीं पाती थी, बाईं तरफ लेटती थी जालिम ने जो बाजू पे मारा था इसकी वजह से सो नहीं पाती, और अगर चित लेटती थी तो हाय सीने में कील चुभी थी जिसकी वजह से फातिमा की सांस रुकने लगती थी। फातिमा तड़प करके बेल उठ के बैठ जाती थी, पूरी रात इसी तरह से जागती रहती थी। इसीलिए मर्सिया पढ़ा सुब्बत अलैया मसाइबो, ऐ बाबा आपके बाद हम पे ऐसे मसाइब तोड़े गए कि अगर ये रोज़े रोशन पे पड़ते तो अंधेरी रात में तब्दील हो जाते। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين। پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما, ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فيها। اے میرے معبود اب تک ہم سے جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں, اے میرے معبود ان تمام گناہوں کو معاف فرما, تجھے واسطہ ہے فاطمہ کے پہلو شکستہ کا۔ اے میرے معبود ہمارے جتنے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما, ان کو ان کے عذاب قبر, جو بھی عذاب قبر میں مبتلا ہو اے میرے معبود عذاب قبر سے صدیقہ کے طفیل میں, اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے نام فاطمہ کا, انہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما, تمام مشکلات کو دور فرما, تمام آفات ارضی و سماوی سے اے میرے معبود اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما, ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو,
परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम तशय्यो को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सर निगुं फरमा, अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे माबूद, अहले बैत के चाहने वाले जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, ऐ मेरे माबूद, उन सब को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। एक मरतबा सूरह फातिहा और एक तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम इब्राहिम भाई इब्ने कासिम अली, मरहूम अली मोहम्मद इब्ने क़ुरबान अली, इनकी रूहों को इरसाल कर दें।